जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉल 2020 ODL। और एज़ यूजुअल हम सबसे पहले अपनी क्लास में हमेशा कोर्स प्लान को देखा करते हैं। सो एज़ यू कैन सी दैट अल्हम्दुलिल्लाह we are at the end of the semester, as well as we have covered most of the course, and couple of topics are left which we will cover in the remaining weeks. Aur aaj ki class ko proceed karne se pehle, as you can see ki humne ye monitoring health and safety at workplace jo hai wo humne in context of labor laws Frank Bott ke chapter 9 se kal ki class mein humne ye cover kiya tha detail mein with a lot of case studies, और हमने examples और case studies देखी थी। I hope कि आप में से काफ़ी लोग तो class के time पर भी मौजूद थे live, और बाकी students ने lecture recording जो है वो सुनी होगी। और इसको मैं पहले recap करूँगा, and then we will move to the professional practices in communication. And as you can see in the course plan that ये हमने सारा base के 6 chapter में एक टॉपिक है जिससे हमने ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कवर करनी है, जो कि एम्प्लॉय की कम्युनिकेशन है और मॉनिटरिंग है, इसको हम कवर करेंगे। नाउ आई टेक यू टू द टॉपिक, लेकिन मैं कल की क्लास भी उससे पहले थोड़ी सी आपके लिए रिवाइज करूँगा। बट बिफोर दैट, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि ये चैप्टर 6 में 6.3 है बेसिकली, जो कि हमारे पास एम्प्लॉय कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग से रिलेटेड है, और यही हमारे कोर्स का टॉपिक है। 6.1 और 6.2 हमने नहीं करना। फ्रैंक बॉट का चैप्टर तो कंप्लीट ही था, हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क, लेकिन इसमें से... जी जी सर, आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। अच्छा बेटा, अभी सही है या अभी भी नहीं सही आ रही? कुछ ठीक है। अच्छा, बाकी बच्चों को भी सही नहीं आ रही बेटा? सर कभी कभी लैग हो रही है। ओके, मैं एक्चुअली अभी वाईफाई पे कनेक्टेड हूँ, और अगर काफ़ी और बच्चों को भी मसला हो रहा है तो फिर मैं इधर नेट कनेक्ट कर लेता हूँ। इधर नेट पे थोड़ी सी बेहतर स्ट्रीमिंग आती है। तो हमने कल, जैसा कि आपने क्लास में देखा ही था कि हमने जो कवर किया था, मैं उसे आज रिपीट भी कर दूंगा। आज हमने जो पढ़ना है दैट इज़ फ्रॉम 6.3 ओनली। 6.1 और 6.2 इस चैप्टर में से नहीं करना। अभी तक हम जो टॉपिक्स पढ़ रहे थे वो हम ऑलमोस्ट कंप्लीट चैप्टर कवर अप करते हैं बुक से, लेकिन ये जो चैप्टर है इसमें सिर्फ 6.3 जो है टॉपिक वो हमने करना है। तो अगर अभी भी लैग आ रहा है तो बेटा मैं इधर कनेक्ट कर लूं। लैग आपको फील हो रहा है बच्चों? नहीं सर, ठीक है। नहीं सर। ओके, तो कल की लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अगरचे वो काफ़ी कम्प्रिहेंसिव टॉपिक था, एंड इट टुक ऑलमोस्ट एन आवर टू कवर दिस टॉपिक, ऑल्दो इसमें कोई टेक्निकल बातें नहीं थी जैसा आपने शुरू में एथिक्स में पढ़ी थी। काफ़ी सारे स्कूल ऑफ थॉट्स देखे थे, बहुत सारी थ्योरीज देखी थी, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। आपको इस कोर्स में अब ये तो आइडिया हो चला होगा कि सारा बेस की जो रेफरेंस बुक है वो बुनियादी तौर पे टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस और मुख्तलिफ थ्योरीज के ऊपर फोकस करती है, और फ्रैंक बॉट की जो आपकी टेक्स्ट बुक है इसमें प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, बिजनेस टर्म्स और लीगल कॉन्टेक्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें फोकस किया होता है, और इसमें एवोल्यूशन भी हर टॉपिक की दी होती है, जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से स्टार्ट होती है और आके 21st सेंचुरी में एंड अप होती है। चाहे वो इथिक्स के ट्रेंड हों, इथिक्स के लॉज हों, बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करने के लॉज हों, या जो जो भी हमने इसमें से टॉपिक पढ़े हैं। कल हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क पढ़ा था, तो वो भी इसने ज़्यादा इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो लॉज के ऊपर था। और प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में, जैसा कि हमने कोर्स के शुरू में भी देखा था, एथिक्स और लॉ दो इसके प्राइमरी पिलर्स हैं जो कि हमने थ्रू आउट द कोर्स कवर करने हैं। फर्स्ट हाफ ऑफ द कोर्स
वॉज फोकस्ड ऑन एथिक्स, टॉपिक्स बहुत से थे लेकिन हर टॉपिक जो है वो रिलेट हो जाता था जाके इथिकल वैल्यूज़ के साथ, मॉरल वैल्यूज़ के साथ। और लॉ को हम, जैसा कि मिड से पहले के सिलेबस में मैंने कहा था कि बस लॉ का जिक्र ज़रूर आता था, लेकिन हमने उस वक्त ये डिस्कस किया था क्लास से, जो लेक्चर्स थे, कि मिड टर्म के बाद जो आपका सिलेबस है उस वो प्राइमरीली बेस करेगा लॉ पे, और उधर हम कॉन्टेक्स्ट हवाला दिया करेंगे एथिक्स का। तो ये आपने कल की क्लास में भी नोट किया होगा कि हम लीगल फ्रेमवर्क के ऊपर हमारा फोकस जो है वो ज़्यादा चल रहा है। तो कल की क्लास में हमने हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क, पहले तो इसकी डेफिनेशन देख ली थी कि इसे क्या कहते हैं, कितने एम्प्लॉयज़ की डेथ पर ईयर 70s में हो रही थी जो 1995 का सर्वे था, और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी थी जी, ये इसने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बताया था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद लोगों का एग्रीकल्चर वे ऑफ लाइफ, इंडस्ट्रियल वे ऑफ लाइफ में चेंज हो गया, जिसमें नए कानून की ज़रूरत थी, और इवेंचुअली दैट लॉ एक्ट वॉज पास इन 1802, जिसे फैक्ट्रीज एक्ट कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। उसके बाद जो दूसरी इसमें अहम डेवलपमेंट थी वो रॉबिन्स कमेटी की रिपोर्ट थी 1972 की, और इस कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं वो अगर आप किसी भी मुल्क का उठा के देख लें, इंडस्ट्रियल एक्ट या जो उनकी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वहाँ रॉबिन्स कमेटी की झलक आपको ज़रूर मिलेगी। और हमने ये भी देखा था कि पाकिस्तान का जो लॉ है जिसका ताल्लुक इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड है लोगों की, अफराद की, उसमें काफ़ी हद तक 1802 जो 1802 का जो फ्रेमवर्क था इंडस्ट्रियल, उसकी काफ़ी सारी चीज़ें एज इज़ उसके अंदर इनहेरिट की हुई हैं, और कुछ ना कुछ बातें जो रॉबिन्स कमेटी में लिखी हुई हैं वो आपको पाकिस्तान के हर मुल्क के जो इंडस्ट्रियल एक्ट है या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविज़न है उसमें आपको ये रिकमेंडेशन ज़रूर नज़र आ जाएंगे इसकी झलक। इसीलिए ये किताब में दी हुई है रॉबिन्स कमेटी की रिपोर्ट। और आपने ये भी गौर किया होगा कि जब हमने ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर पढ़ा था, किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का चैप्टर पढ़ा था, तो हमने वहाँ पे लॉज को फ्रैंक बॉट से कवर नहीं किया था, क्योंकि वो हर कंपनी में सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं। पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेशन अमेरिका की इनकॉर्पोरेशन से बहुत मुख्तलिफ है, लिहाजा हमने उन लीगल टर्म्स को कवर नहीं किया था, और उस चैप्टर में से सिर्फ पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड और इनकॉर्पोरेशन की हद तक आपने वो कवर करना था, और ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है उसकी डेफिनेशन बस। लेकिन ये जो चैप्टर है हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस, ये ऑलमोस्ट तकरीबन अराउंड द वर्ल्ड इसके जो लॉज हैं एटलीस्ट वो सेम है, कहीं किसी मुल्क में इन्फोर्स किए जाते हैं वो लॉज और कहीं पे नहीं किए जाते, जो फंडामेंटल लॉज हैं वो सारे के सारे सेम हैं। इसीलिए हमने रॉबिन्स कमेटी रिपोर्ट को भी देखा, और आगे जो 1974 का यूके एक्ट था या यूरोपियन कमीशन का जो एक्ट था उसको भी हमने देखा। तो ये आपने कवर करना है, क्योंकि कंप्यूटिंग इंडस्ट्री में जो आपके ये हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रोविजंस होती हैं, ज़ाहिर है आपने एक कंट्री से दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करना है तो आपके ऊपर वो स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं। टू क्वालिफाई एज एन एक्सपोर्टर आपको काफ़ी सारी चीज़ें, कभी आप अपने कंप्यूटर का कीबोर्ड उठा के देखिए, उसको ज़रा फ्लिप करें और उसके नीचे आप देखिएगा काफ़ी सारे, या लैपटॉप को फ्लिप करें तो आपको स्टिकर नज़र आ जाएंगे जिस पे लिखा होता है कि इट फॉलोज़ कैनेडियन स्टैंडर्ड ए बी, अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी फ़लाँ फ़लाँ। ये सारे स्टैंडर्ड्स एज एन एक्सपोर्टर क्वालिफाई करने के लिए आपको सर्टेन पैरामीटर्स को फॉलो करना होता है। तो सेम अप्लाइज, तो कंप्यूटिंग इंडस्ट्री में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों इंडस्ट्रीज आती हैं। ऑल्दो पाकिस्तान के अंदर हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग अभी नहीं हो रही, लिहाजा हमें उसका इतना आइडिया नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे जब कभी स्टार्ट हो जाएगी तो यू विल सी कि बहुत सी चीज़ों में आपको क्वालिफाई करना होता है, जैसे चाइल्ड लेबर नहीं हो रही, जो इम्प्लॉयज़ हैं उनकी सेफ्टी की प्रोविजंस फॉलो की जा रही हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगर किसी चीज़ में एक्सट्रीम लेवल के ऊपर निग्लिजेंस हो तो फिर वहाँ से एक्सपोर्ट बंद कर दी जाती है। जैसे आपने अभी देखा होगा ह्यूमन फैक्टर की वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है उसको दुनिया के कई ममालिक ने बैन कर दिया था एक हादसे के बाद जो कि PIA का हुआ था, और फिर उसमें हमारे कुछ ऑफिशियल्स थे उनकी कुछ स्टेटमेंट्स इस किस्म की थी जिससे ये इमेज गया कि हमारी ट्रेनिंग में शायद कोई फ्लॉ है, लाइसेंसिंग में कोई फ्लॉ है, या ह्यूमन फैक्टर में काफ़ी कमी है। तो उसका नतीजा ये निकला कि PIA जो नेशनल करियर है उसको बैन कर दिया गया फ्रॉम अ लॉट ऑफ कंट्रीज, एज वेल एज जो इनके रिटायर्ड या एक्स एम्प्लॉयज़ थे पायलट्स और इंजीनियर्स उनको सैक कर दिया गया बहुत सी कंट्रीज़ में
दुनिया की, अराउंड द वर्ल्ड। तो यही चीज़, और वजह क्या थी, आप ये देखें, हेल्थ एंड सेफ्टी था ये केस स्टडी, हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस। ठीक है, आपने सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए, ह्यूमन फैक्टर का नहीं ख्याल किया, तो ये कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एक इंडस्ट्री पूरी की पूरी, नॉरिशिंग इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन भी तबाही का शिकार हो सकती है। जीती जाती जागती केस स्टडी की एग्जाम्पल हमारे सामने इस टॉपिक से रिलेटेड है। लिहाजा ये जो हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रोविजंस होती हैं ये इंटरनेशनली मोर आर लेस सेम होती हैं। तो ये इसीलिए हमने ये चैप्टर पूरा किया था, और इसमें हमने रॉबिन्स कमेटी की रिपोर्ट और 1974 का लॉ, जैसा कि हाईलाइटेड भी है, और अगर आप में से किसी बच्चे ने अभी नहीं सुने ये लेक्चर तो वो कल की क्लास जो है वो सुन सकते हैं विद एग्जांपल्स, उसकी रिकॉर्डिंग अपलोडेड है ग्रुप पे, उसका लिंक शेयर कर दिया गया था कल ही आपसे, तो आप इसे सुन सकते हैं। इसमें कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, सिंपल आसान, आप सेल्फ स्टडी से भी इसको समझ सकते हैं, लेकिन लेक्चर और केस स्टडीज को एग्जांपल्स को सुनने के बाद आपको बेहतर समझ आ जाएगा। तो ये जी रॉबिन्स कमेटी की रिपोर्ट थी 1972 की, इसमें उसने कुछ बातें हाईलाइट की थी कि ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, और ये बड़ी प्राइमरी हैसियत रखती है दुनिया की, जहाँ जहाँ प्रोविजंस मौजूद हैं कानून की उसमें इसकी काफ़ी हैसियत है। फिर 1974 में यूनाइटेड किंगडम ने लेजिस्लेशन की अपनी कंट्री के अंदर, वो भी मोर आर लेस जो आपका एक्ट था रॉबिन्स कमेटी का वही बातें थी, लेकिन कुछ प्रोविजंस उन्होंने अपनी कंट्री के हिसाब से लिखी। फिर हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि सर्टेन प्लेसेस पे आपको सर्टेन सेफ्टी पैरामीटर्स जो हैं वो फॉलो करने होते हैं, और हमने काफ़ी मिसालें ली थी कल की क्लास में, स्टील मिल है तो उसका क्राइटेरिया और होगा सेफ्टी का, बैंक में अगर लोग काम कर रहे हैं तो और होगा, कोई सॉफ्टवेयर हाउस है तो उसमें कुछ और होगा, तो जो प्लेस के हिसाब से सेफ्टी पैरामीटर्स आपके होते हैं। फिर हमने जनरल ड्यूटीज़ की बात की थी कि किसकी क्या क्या ड्यूटी है जी, अब एम्प्लॉयर की ड्यूटी है, कुछ कुछ एम्प्लॉय की ड्यूटी है सेफ्टी को इंश्योर करने में, जैसे हमने कहा था कि एम्प्लॉयर पॉलिसीज बनाएगा इसमें, ठीक है, और एम्प्लॉय जो है वो उन पॉलिसीज़ को के ऊपर एक्ट अपॉन करेगा, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की होगी ऐसा माहौल प्रोवाइड करना, ऐसी पॉलिसीज़ देना, और ये हमने एक एक पॉइंट कल की क्लास में बड़ी तफसील से मिसालों के साथ विद एग्जांपल्स वी हैव डिस्कस्ड इट इन यस्टरडेज क्लास। तो इसी तरह हुकूमत की जिम्मेदारी भी आ जाती है इसमें कि वो इसको इन्फोर्स करेगी थ्रू इंस्पेक्शन कमेटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी डिवाइडेड है हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर। तो इसी तरह से आपने एक प्रोविजन लॉ के अंदर रखना है कि पॉलिसी होनी चाहिए, रीजनेबल प्रैक्टिसेस, कि आपकी एक रीजनेबल प्रैक्टिकल पॉलिसी होनी चाहिए जो हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर करे और जो आपका ट्रबल का रिस्क है उसको रिड्यूस करे। तो इसी तरह से अगर थर्ड पार्टी किसी को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है या किसी से आप डिज़ाइन करा रहे हैं, कोई आपका सप्लायर है, उन सबको भी वो हेल्थ एंड सेफ्टी की पॉलिसीज़ फॉलो करना होंगी जो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है। जिन जिन सप्लायर से वो रब्ता करेगी, डिज़ाइनर से, मैन्युफैक्चर से, एक ऑर्गेनाइजेशन, उन सब के ऊपर भी जो सेफ्टी एक्ट है वो लागू होगा, और ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ़ इसके सेक्शंस हैं। आपको इस चैप्टर से सेक्शंस को याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि रॉबिन्स कमेटी जो 1972 में हुई थी उसकी रिकमेंडेशंस क्या हैं, क्योंकि वो सारी दुनिया के लॉ में मौजूद हैं। फिर 1974 में यूके ने जो इम्प्लीमेंट किया अपना फैक्ट्रीज एक्ट, तो उसमें एक टेबल दी हुई है जिसमें डिफरेंस दिया हुआ है, वो आपको पता होना चाहिए। सो ये 72, 74 और 1802 में ये लॉ इंट्रोड्यूस हुए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी ये जो लिखा हुआ है सेक्शन 6 1987 में हुआ, सेक्शन फलां हुआ, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हर मुल्क के अंदर सेक्शन नंबर तो मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन जो आपको रॉबिन्स कमेटी यूके का एक्ट और जब एक्ट शुरू हुआ था वो आपको डेट्स के साथ पता होना चाहिए। तो ये हमने इसी तरह से देखा था कि आप प्रोसीजर डिफाइन करते हैं सेफ्टी के, और इसमें तीन अहम पॉइंट थे इसमें सेक्शन 2 के तहत, लेकिन सेक्शन 2 का लफ्ज़ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बात करें कि सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स, तो उसमें तीन अहम पॉइंट्स हैं कि प्रिपरेशन एंड रिवीजन एज नेसेसरी ऑफ अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ सेफ्टी पॉलिसी, कंसल्टेशन विद सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव्स। आपको याद होगा कल की क्लास से कि एक सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव होता है और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एक सेफ्टी कमेटी होती है जिसका काम होता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर करे, और अगर वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है तो गवर्नमेंट की तरफ से एक गवर्नमेंट सेफ्टी कमीशन होता है जो 1 से 3 तक मेंबर अपने अपॉइंट करता है उस कमेटी के अंदर,
जो कि सारी जो भी डिसीजंस हो रहे होते हैं उनको वॉच करते हैं। हाई रिस्क इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? जिस तरह माइनिंग इंडस्ट्री है, जिस तरह एविएशन इंडस्ट्री है, इसमें लॉस ऑफ लाइफ भी हो सकता है थोड़ी सी नेग्लिजेंस से। तो यहाँ पे ज़ाहिर अगर कोई एयरलाइन होगी तो उसमें सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान की जो है उसका कोई नुमाइंदा होगा जो उनके प्रोसीजर देखेगा कि सेफ्टी को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कोई माइनिंग कंपनी है तो उसमें मिनिस्ट्रीज़ ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन के इंजीनियर्स होंगे जो कि डिफरेंट उनके प्रोसीजर्स को देख के सर्टिफाई करेंगे कि ये सेफ्टी को पूरा कर रहे हैं कि नहीं। तो ये हमने कल की क्लास में चैप्टर जो है वो देखा था। इसमें काफ़ी सारी एग्जांपल्स किताब में भी लिखी हुई हैं। इसके अलावा आप सेफ्टी पैरामीटर जो है उसमें कमेटी से आपने हमेशा कंसल्टेशन करनी है। देखें, ये एक दूसरा हिस्सा था कि इन्फोर्स कौन करेगा इस सारी पॉलिसी को। तो वो एग्जीक्यूटिव या हुकूमत का काम है कि वो इन्फोर्स करेगी। तो हुकूमत के अंदर इसमें इन्होंने देखें कि कुछ प्रोविजंस लिखी थी कि गवर्नमेंट जो है उसकी क्या जिम्मेदारी है, वो क्या क्या काम जो है वो कर सकती है। तो इसमें देखें, गवर्नमेंट को इस कानून में जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, हमने इसमें मिसाल ली थी कल की क्लास में कस्टम पुलिस की। फिर हमने इसमें एग्जांपल्स ली थी कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की अपनी अलग से पुलिस होती है, नेशनल हाईवे की पुलिस अलग होती है, और जनरल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए आपके पास फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है FIA। फिर उसके अंदर इंटरनेट क्राइम्स के लिए, ई क्राइम्स के लिए साइबर क्राइम विंग है, ठीक है। और जो कन्वेंशनल आपके क्राइम्स होते हैं उसके लिए आपके पास पंजाब पुलिस या KP प्रोविंशियल पुलिस डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। तो हमने बात की थी कि हर तरह की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए जो मुख्तलिफ महकमे होते हैं, तो इसी तरह जो आपकी इंडस्ट्रीज होती हैं उसके अंदर इन्फोर्स करने के लिए स्पेशलाइज्ड पुलिस डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के। जैसे आप साइबर क्राइम विंग FIA का लेटेस्ट एग्जांपल है, उसमें पुलिस फोर्स भी है और उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स भी हैं अलग से, जिनका काम ई क्राइम्स यानी कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर जो ई क्राइम्स हो रहे हैं उनको कर्ब करना है, ठीक है। इसी तरह एंटी नारकोटिक्स पाकिस्तान में डिपार्टमेंट है जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल का काम करता है, उनकी इंस्पेक्शन ऑफिसर्स भी अलग से होते हैं और उनकी पुलिस भी अलग से होती है। कस्टम के जो पुलिस होती है वो आपकी जो स्मगलिंग होती है उसको रोकने का काम करती है, तो और वहाँ पे सेफ्टी को इंश्योर करती है। तो ये जो सेफ्टी डिपार्टमेंट्स के गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव होता है, इनको बहुत सी प्रोविजंस होती हैं, हमने कल की लेक्चर में देखी थी। और ये डिपेंड करेगा कौन सी इंडस्ट्री है, और हर इंडस्ट्री के हिसाब से हर कंट्री अपना कानून पास करेगी। लेकिन उनके पास जर्नली प्रीमिसेस में एंटर होने की, एग्जामिन करने की और इस तरह की मेजरमेंट्स लेने की, फोटोग्राफ्स और रिकॉर्डिंग लेने की प्रोविजंस हर कंट्री के लॉ में इजाज़त होती है। जैसे आपने पाकिस्तान में अक्सर TV पे फूड इंस्पेक्टर्स के छापे देखे होंगे जो कि सेफ्टी प्रोटोकॉल ना फॉलो करने वाले होटल्स को सील करते हैं, जिनमें एक वो जो असिस्टेंट डायरेक्टर थी, आई थिंक उनका नाम आयशा था, काफ़ी पॉपुलर लाहौर में पॉपुलैरिटी उनको मिली थी, नाउ शी इज़ रिटायर्ड। लेकिन तो ये हमने कल की क्लास में देखा था। फिर हेल्थ एंड सेफ्टी कमीशन होना चाहिए हर मुल्क के अंदर, और सेफ्टी एग्जीक्यूटिव होने चाहिए जो कि लार्ज या हाई रिस्क इंडस्ट्री के अंदर अपॉइंट होते हैं। तो ये भी हमने कल की क्लास में बड़ी तफसील से एग्जांपल्स के साथ इसको हमने लेक्चर को देखा था। और इसी तरह से इसने आखिर में यूरोपियन कमीशन की हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोविजन की बात की थी। EC स्टैंड्स फॉर यूरोपियन कमीशन, और ये भी 1972 की रॉबिन्स कमेटी से इंस्पायर्ड ही इनका एक्ट है। और एट दी एंड इसने जो है वो कुछ आपको फर्दर सोर्सेज ऑफ लर्निंग भी बताए थे कि अगर आप पढ़ना चाहें ह्यूमन फैक्टर के बाद, ह्यूमन फैक्टर और फाइनेंशियल कॉस्ट हमने आखिर में देखा था कि ये दो चीज़ें भी बहुत अहम होती हैं, और हमने इसमें PIA की केस स्टडी जो है उसको डिस्कस किया था। और फाइनेंशियल बर्डन नहीं समझना कंपनीज ने सेफ्टी की कॉस्ट को, बल्कि इसे एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव या बिजनेस प्रोसेस के तौर पर अपनी जो बुक्स हैं अकाउंटिंग बुक्स उनमें रजिस्टर करना। तो और अगर आप सारी प्रोविजंस को फॉलो करते हैं तो लॉज को, अब कॉर्पोरेट लायबिलिटी और मैनस्लॉटर लॉज जो हैं वो कैसे होंगे? अगर तो आप बहुत ज़्यादा पेनल्टीज इम्पोज कर देंगे तो इन्वेस्टर आने से घबराएगा, तो आपने ये मॉडेस्ट लॉज रखने होते हैं। मिसाल के तौर पर जो आपके ट्रैफिक लॉज होते हैं, अगर किसी के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है और वो अपनी लेन और सारे ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहा था, और अगर कोई शख्स आगे ज़ख्मी हो जाता है आके, तो उसकी बड़ी माइनर पेनल्टी होती है, जैसे आपको कोई फ़ाइन कर दिया जाता है 10-20 हज़ार का अदालत की तरफ से। और अगर आप किसी को वैसे ज़ख्मी करें विलफुल जाके, तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा बड़ा फ़ाइन हो या कुछ उसमें आपको जेल भी, बिहाइंड दी बार्स भी जाना पड़ सके।
क्योंकि वो आपका जो है मॉरल लेवल का क्राइम होगा, ना कि एक हादसा होगा। तो इसी तरह से इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी जो हादसात होते हैं जिसमें एम्प्लॉज ज़ख्मी या बाज़ औक़ात कैजुअल्टी भी हो जाती है, तो उस सूरत में जो ऑर्गेनाइजेशन होती है अगर वो सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो कर रही है तो उनके ऊपर जुर्माना मॉडेस्ट सा होता है, और वो यूजुअली वही इंश्योरेंस मनी होती है जो कि इंश्योरेंस कराई होती है अपने मुलाजमीन की, जैसे एविएशन इंडस्ट्री में सबकी इंश्योरेंस हुई हुई होती है। तो इससे ज़्यादा पेनल्टी इसलिए नहीं लगाते कि फिर फॉरेन इन्वेस्टर आपकी कंट्री में नहीं आएगा, ऑर्गेनाइजेशन या आपकी अपनी कंट्री के बिजनेसमैन बाहर जाके इन्वेस्ट करेंगे। तो वो आपने बैलेंस रखना होता है कि बहुत हार्श लॉज आप इतने हार्श ना बना दें। हाँ, अगर आपकी कंट्री डेवलप्ड है, हमने कल बड़ी मिसालें ली थी इसमें, तो वो जैसे हमने ग्लोबल वार्मिंग की इसमें एग्जाम्पल ली थी, तो वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं बड़े स्ट्रिक्ट लॉस बनाना, पर डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि मोडस से एक्सट्रीम लेवल पे चले जाएं। तो इस बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये जी कल की क्लास का, और हमने इसमें रेफरेंस भी दिए हुए हैं कुछ, जो आप मज़ीद अगर इंटरेस्टेड हैं इसको पढ़ने में टॉपिक को, तो ये 6-7 रेफरेंसेज इसने दिए हुए हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। ऑल्दो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको केस स्टडीज़ की वीडियोज़ भी मिल जाती हैं जो कि हमने डिस्कस, जैसे PIA का केस डिस्कस की है, अगर आप थोड़ा सा इसको लिखें तो ये कोई हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस जो हैं आपको नज़र आ जाएंगी। इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग की अगर आप बात करें जो कि आ जाता है मोडेस्ट लॉस के अंदर, तो उसमें भी आपको काफ़ी मटेरियल इसके अंदर मिल जाएगा। लेकिन किताब के अंदर ये चैप्टर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं और लेक्चर सुन लेते हैं तो दैट इज़ एनफ फॉर यू, आपका कवर अप कर लेगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारी कल की क्लास, होपफुली आपने ये बुक से पढ़ा होगा। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, और अगर आपका कोई कल की क्लास में कोई सवाल हो जो आपको ना समझ आई हो बात, या कोई एम्बिग्विटी रह गई हो, तो आप पूछ भी सकते हैं आज के सेशन में, और अगर कोई आपकी क्यूरी नहीं है तो हम आज कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, आज हमने सिर्फ 6.3 करना है। और आपको पता है गिफ्ट ऑफ फायर में लॉ लीगल की बातें तो कम होती हैं, ये ज़्यादा बात करता है सिंपल प्रोसीजर्स पे या डेफिनेशंस पे। तो हमारे सिलेबस का ये जो टॉपिक है प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस इन कम्युनिकेशन, एम्प्लॉई कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग, ये हमने गिफ्ट ऑफ फायर बुक जो सारा बेस की बुक है, आपकी रेफरेंस बुक है, उसके 6.3 से हमने कवर करना है। तो आप देखें कि इसमें ये एम्प्लॉई कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग है, तो एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के दरमियान किस तरह की कम्युनिकेशन होती है, किस तरह के मरासलात उर्दू में अगर कहें, या जो उनका चैनल है जिसके ज़रिए वो आपस में अपनी कम्युनिकेशन करते हैं, वो कौन कौन से हैं। एक तो है जी लर्निंग अबाउट जॉब एप्लीकेंट्स, सबसे पहले जो एम्प्लॉई एम्प्लॉयर से कनेक्ट करता है जॉब से पहले, वो अपनी जॉब एप्लीकेशन सबमिट करता है, और ये फर्स्ट या प्राइमरी आपकी कम्युनिकेशन होती है बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एन एम्प्लॉय। ठीक है जी, तो एम्प्लॉयर्स हैव लॉन्ग डन वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्क्रीनिंग। अब ये किस तरह की ये इंफॉर्मेशन होती है जी, इसमें जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय की क्रिमिनल बैकग्राउंड को चेक करता है, इसी तरह से जो भी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ होती हैं जिन्होंने अप्लाई किया होता है उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक किया जाता है। पाकिस्तान में शायद इसका इतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में अगर आप में से कुछ लोगों के पेरेंट्स या भाई बहन वगैरह UK में या यूनाइटेड स्टेट्स में या चाइना में या कहीं बाहर जॉब कर रहे होंगे, तो पहली चीज़ पाकिस्तान से जो वो मंगाते हैं वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है कि इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो बाज़ोकात आपको इवन ग्रेजुएशन स्टडीज़ के लिए, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी के लिए बाहर जाएं तब भी आपको इसकी ज़रूरत पेश आती है, तो वो आप यहाँ से लेते हैं। तो बाहर की कंट्रीज़ में सबसे पहले जो है वो ये चीज़ देखी जाती है। इसी तरह से बहुत सी कंपनीज़ होती हैं वो बाहर के ममालिक में, मतलब छोटी कंपनीज़ भी कंसल्टेंट कंपनीज़ को हायर कर लेती हैं जो स्पेशलाइज करती हैं हायरिंग में, वो लोगों को साइकोलॉजिकल असेसमेंट करती हैं कि अगर ये बैंक है तो क्या जिस बंदे को हायर किया जा रहा है उसमें इतना टेम्परामेंट है कि वो 9 to 5 इस किस्म की नौकरी कर सके, या अगर कोई माइनिंग इंडस्ट्री है तो फिज़िकल पोटेंशियल है किसी शख्स में,
और मेंटल स्ट्रेंथ है कि वो इस तरह की हार्ड लेबर को या इवन आप कोई किसी इंजीनियर को वहाँ लगा रहे हैं सिविल इंजीनियर को, तो उसमें इतना बर्दाश्त है कि अगर फ़र्ज़ करें बलूचिस्तान में जाके कहीं पे 9 साल का 7 साल का कोई माइनिंग प्रोजेक्ट है और वहाँ पे इतने अरसे तक सिटी से डाउनटाउन से दूर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट करती हैं जो स्पेशलाइज्ड कंपनीज होती हैं, मेडिकल टेस्ट आ जाते हैं उसमें और टेक्निकल स्किल्स जज करती हैं, और फिर वो जो हायरिंग कंपनीज हैं वो रेफ़र करती हैं बेस्ट एम्प्लॉयज़ को जिस कंपनी ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया होता है। इसकी पाकिस्तान में अगर मिसाल देखिए तो प्रोविंशियल लेवल पे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन आपको नज़र आता है, एक ऐसा इदारा जिसे हुकूमत पंजाब का ही एक बॉडी है ऑटोनोमस, जो कि हुकूमत पंजाब को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को वो रेफ़र करती है कैंडिडेट सेलेक्ट करके। इफ़ यू लुक एट द फेडरल लेवल वी सी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इज़ अ फेडरल एंटिटी अगेन एन ऑटोनोमस बॉडी दैट रिकमेंड कैंडिडेट्स सूटेबल कैंडिडेट्स टू द फेडरल गवर्नमेंट इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। और ये दोनों आपकी जो एजेंसीज हैं ये कंसल्टिंग एजेंसीज हैं बुनियादी तौर पर, ये जिन कैंडिडेट्स को रेफ़र करती हैं डिपार्टमेंट्स को, डिपार्टमेंट के पास इख्तियार होता है, मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है या आपके पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या इवन सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज हैं जिसमें डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनके पास ये इख्तियार होता है कि वो डिनाई कर दें ऐसा ऐसे कैंडिडेट को जिसने जिसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या PPSC ने रिकमेंड किया हो। कोई मिनिस्ट्री उसको डिनाई कर सकती है किसी भी रीज़न पे, अनसूटेबिलिटी या किसी भी वजह से डिनाई कर सकती है जॉब प्लेसमेंट ऑफर करने के लिए। सो इसीलिए लिखा होता है कि यू, अगर आप कभी लेटर पढ़िए FPSC या PPSC का या आपने शायद पढ़ा हो कभी, उसमें लिखा होता है कि यू आर रिकमेंडेड टू द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फॉर दैट पोस्ट, तो अपॉइंटेड नहीं होता, अपॉइंटमेंट लेटर आपको जाकर मिलता है उस मिनिस्ट्री से उस महकमे से जहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट होती है। तो ये जो एजेंसीज़ होती हैं बाहर की कंट्रीज़ में इस तरह की प्राइवेट एजेंसीज़ होती हैं जो कि हायरिंग का काम परफॉर्म करती हैं और वो सूटेबल कैंडिडेट्स को रिकमेंड करती हैं किसी कंपनी को, फिर वो कंपनी जो है यूजुअली जितने कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं तो वो उनको रख लेती है, मे बी शाज़ो नादिरी कोई उसमें से रिजेक्ट हो जाता है। तो ये है स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट हैपन्स बिटवीन एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय द जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस। और इसमें कुछ प्राइवेसी लॉज भी होते हैं, मिसाल के तौर पे अब बाहर की कंट्रीज़ में जॉब के टाइम इवन सोशल मीडिया भी चेक किया जाता है कि भाई इसके व्यूज़ किस तरह के हैं, मैच करते हैं उस मुल्क या उस इदारे के कल्चर के साथ एडजस्ट करने में या नहीं, और इसमें फिर बाज़ों का प्राइवेसी लॉज भी इन्वोक हो जाते हैं कि ये एक पर्सनल चीज़ है जिसे आप नहीं टच कर सकते। तो इसी वजह से यूजुअली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं बाहर की कंट्रीज़ में वेस्ट में स्पेशली, वो ख़ुद हायरिंग की बजाय कंसल्टेंट फर्म्स को कर लेती हैं क्योंकि वो स्पेशलाइज करते हैं लीगल टर्म्स में भी, कोई ऐसा काम नहीं करते जो लॉ को वायलेट कर जाए और एम्प्लॉय ने सू किया हुआ हो प्राइवेसी लॉ पे। ऑल्दो यहाँ पे अभी इस तरह की प्रैक्टिसेस कॉमन नहीं है पाकिस्तान और इंडिया में, कि यहाँ पे लोग जॉब ही तलाश करने पे फोकस ज़्यादा होता है रेदर देन प्राइवेसी, तो बाहर की कंट्रीज़ में अगर किसी की एम्प्लॉय की प्राइवेसी वायलेट हुई है तो वो सू कर देते हैं कि जी इन्होंने मेरी जो है वो सोशल मीडिया से जो मेरे इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठी की है या एट्सेट्रा। तो इसी वजह से सेफर साइड ये होती है कि आप एक कंसल्टेंट फर्म हायर कर लें और उन्हें अपनी उन्हें लीगल बाउंड्रीज पता होती हैं उस स्पेसिफिक कंट्री की। तो ये थी जी फर्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन 6.3.1 लर्निंग अबाउट जॉब एप्लीकेंट्स। तो ये एम्प्लॉय कम्युनिकेशन थी पहली तरह की। अब हम इसमें दूसरी टाइप में जाते हैं, ये है रिस्क एंड रूल्स फॉर वर्क एंड पर्सनल कम्युनिकेशंस। इसमें अब ये बताएगा कि जी मुख्तलिफ इदारों के अंदर कौन सी प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस हैं कम्युनिकेशन की जो फॉलो होती हैं रिगार्डिंग वर्क प्लेस। अच्छा, एम्प्लॉयर्स हैव ऑलवेज मॉनिटर्ड द वर्क ऑफ देयर एम्प्लॉयज, द डिग्री एंड डिटेल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉनिटरिंग हैज़ वेरीड डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ वर्क। अब एम्प्लॉयर के पास ये राइट होता है कि जो ऑफिस का कंप्यूटर है उसमें वो ये लॉग के ज़रिए, जैसे सर्वर और क्लाइंट का कॉन्सेप्ट आपने सेकेंड ईयर में है आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा,
तो सर्वर से आप क्लाइंट कंप्यूटर्स को मॉनिटर कर लेते हैं कि जी ये कितने घंटे ऑन रहे एक दिन में। अगर फ़र्ज करें कि कोई आपका कैशियर है पर्सन जिसने कि कैश डेबिट क्रेडिट करना होता है, तो उसकी जो स्क्रीन है वो कितने देर ऑन रही, उसने कितने घंटे काम किया, आप उसके आवर्स को लॉग कर सकते हैं। और फिर बाज़ोकात कुछ जो एम्प्लॉयर्स हैं वो ये रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि ऑफिस के कंप्यूटर पे इन इन ऐप्स के अलावा आपने कोई और चीज़ इंस्टॉल नहीं करनी। फॉर एग्जांपल नादरा के अंदर ऐसी प्रोविज़न है कि आप गेम्स नहीं इंस्टॉल कर सकते ऑफिस पीसीज के ऊपर, जो उनके ऐप्स हैं, जो उनका सिस्टम है उसी पे आपने काम करना है। बैंक्स में उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर बनाए हुए होते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हर बैंक के पास होते हैं, और वो जैसे ही विंडो पे कोई ऐप इंस्टॉल नहीं होता, आपने जस्ट कंप्यूटर को ऑन करना है और उनका जो सॉफ्टवेयर है उसे लॉन्च कर लेना है। उसके अलावा आप कोई दूसरा ऐप उधर इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ये कानून में इसकी इजाज़त मौजूद है कि जो वर्क प्लेस का कंप्यूटर है उस पर आप आवर्स को भी लॉक कर सकते हैं और एक्टिविटीज़ देख सकते हैं। लेकिन जो पर्सनल कंप्यूटर है किसी का या मोबाइल सेलफोन है, तो उसकी लॉगिंग इलीगल है, उसको लॉग नहीं कर सकता एम्प्लॉयर भी। हाँ, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि जी अगर कोई इस किस्म का ऑफिस है आप वहाँ पे सेल फोन नहीं लेके आ सकते जिससे आपके काम को डिस्टरबेंस हो सकती है, रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, लेकिन लॉगिंग पर्सनल डिवाइसेस की इलीगल है ऑलमोस्ट इन ऑल कंट्रीज। तो ये था आपका जी सेकंड रूल जिसमें आप कम्युनिकेशन के साथ साथ मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, आप कुछ दूसरे इदारे होते हैं जहाँ पे सेपरेट नहीं मर्ज कर दिया जाता है कि आप अपने पर्सनल कंप्यूटर पे ही जो लैपटॉप लाते हैं उस पे आप ऑफिस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें और आप दोनों काम को साथ साथ कर सकते हैं। अगर नेचर ऑफ जॉब ऐसी है तो कुछ एम्प्लॉयर्स जो हैं वो इसको अलाउ भी कर देते हैं, और जो स्पेशलाइज टास्क ऑफ वर्क्स हैं जिसमें कोई रिस्क ज़्यादा है, सेफ्टी कंसर्न्स हैं, तो वहाँ पे सेपरेट होता है। लेकिन यूजुअली आपको इसकी इजाज़त होती है कि आप अपने पर्सनल जो आपकी मशीन्स हैं उसके ऊपर आप मर्ज कर लें। जिस तरह सॉफ्टवेयर हाउस में अगर आप डेवलपर हैं या क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर हैं या आप कंटेंट राइटर हैं या आईटी मैनेजर हैं, तो यू आर अलाउड टू यूज़ योर पर्सनल मशीन्स। बल्कि आपको ट्रेंड तो यही है कि सॉफ्टवेयर हाउस जो है वो आपको बजट देता है जिसमें आप अपने लिए एक अच्छी सी मशीन परचेस कर लेते हैं और वो पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और ऑफिशियल वर्क के लिए भी। रीज़न उसकी ये होती है कि आपके वर्किंग आवर्स लॉन्ग होते हैं एंड दोनों चीज़ों को सेपरेट करना इज़ नॉट पॉसिबल। सो बहुत सी ऐसी जॉब्स होती हैं जिसमें आपको इन दोनों को साथ में इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है। इसी तरह से आप एक एग्जांपल देखें कि मॉनिटरिंग एम्प्लॉयर सिस्टम्स, रफली हाफ ऑफ मेजर कंपनीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स समटाइम्स मॉनिटर द ईमेल और वॉइस मेल ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ ऑन कंपनी सिस्टम्स। जो आपकी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है ऑफिशियल कंप्यूटर पे, उसको रिकॉर्ड करने की कानून में इजाज़त होती है। जैसे आप देखें, आप जैज़ की या किसी बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो उसमें आपको मैसेज आता है कि योर कॉल्स आर बीइंग रिकॉर्डेड फॉर क्वालिटी पर्पसेस, ठीक है। तो वो जो कम्युनिकेशन होती है, अब दूसरी तरफ कॉल सेंटर पे कोई ऑरेस्कॉम यानी कि जैज़ कंपनी का कोई नुमाइंदा है, यू फोन का है, टेलीनॉर का है, या आपने किसी बैंक में फ़ोन किया है, तो जो आपकी कॉल्स हैं वो अपने ऑफिस के सिस्टम से लॉगिन होते हैं और वो कॉल्स उसमें रिकॉर्डेड होती हैं, किसी भी रीज़न से हो सकती हैं। तो यूजुअली जो यूनाइटेड स्टेट्स में इट्स अ ट्रेंड कि आपका जो ऑफिस फोन है उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो रखी जाती है मोर देन हाफ ऑफ द कंपनी। जैसे पाकिस्तान के अगर कल्चर में देखें आप, तो सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो तकरीबन मोर और लेस आधे से ज़्यादा ही 60-70% जगहों पे प्राइवेट ऑफिसेज में भी वो इंस्टॉल किए जाते हैं, ताकि अगर कोई फिज़िकल ब्रीच हो जाता है, कोई चीज़ चोरी हो जाती है दफ्तर की, तो उसको मॉनिटर किया जा सके। तो इसी तरह वहाँ पे जो ट्रेंड है वो कॉल रिकॉर्डिंग का है, जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है ओनली, पर्सनल मोबाइल फोन्स नहीं, जो कि कस्टमर सर्विसेज से रिलेटेड कॉल्स हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। और इसमें कानून में इजाज़त है एम्प्लॉयर को कि वो अपनी जो क्वालिटी एश्योरेंस के लिए उन चीज़ों को रिकॉर्ड कर सके। तो ये मॉनिटरिंग कम्युनिकेशन में आ गया जी। तो ओके, लॉ एंड केसेस फॉर एम्प्लॉयर सिस्टम्स। मॉनिटरिंग फॉर पर्पसेस लिस्टेड इन फिगर 6.1 इज जनरली लीगल। ये जो मैं आपको बता रहा था अभी, दफ्तर का काम क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, थेफ्ट को रोकने के लिए अगर आप लॉग करते हैं तो इसकी इजाज़त है।
दुनिया सिर्फ यूएस में नहीं बल्कि हर जगह इसकी इजाज़त है एंड अदर कंट्रीज़। द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्राइवेसी एक्ट ऑब्वियसली ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स प्रोहिबिट्स इंटरसेप्शन ऑफ ईमेल एंड रीडिंग ऑफ स्टोर्ड ईमेल विदाउट अ कोर्ट ऑर्डर। ठीक है, अच्छा आप क्या चीज़ आप नहीं कर सकते, किसी की पर्सनल ईमेल्स जो हैं वो एम्प्लॉयर को इजाज़त नहीं है कि अपने एम्प्लॉय का इनबॉक्स खोल के और उसमें से ईमेल्स जो हैं उनको स्टडी कर ले। ये ECPA जो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्राइवेसी एक्ट वो मैंडेट करता है एम्प्लॉयर को कि आप ईमेल नहीं पढ़ सकते हो, सिर्फ वो कॉल सुन सकते हैं क्वालिटी बढ़ाने के लिए, थेफ्ट को रोकने के लिए, अपने ऑफिस सिस्टम की ऑफिशियल कॉल्स, दैट्स इट। इसके अलावा किसी की प्राइवेसी को आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, और अगर कोई इदारा ऐसा करता है तो फिर एम्प्लॉय जो है वो अपने एम्प्लॉयर को सू कर सकते हैं कि इसने मेरी, और उसमें यूजुअली फ़ाइन ही होता है, कोई ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, इसमें जो है वो फ़ाइन इम्पोज होता है एम्प्लॉयर के ऊपर प्राइवेसी का, जो कि बड़ा मॉडेस्ट मॉडेस्ट सा होता है। जैसा हमने कल फ्रैंक बॉट में देखा था कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉज हैं वो मॉडेस्ट पनिशमेंट के साथ होते हैं, जो कि रिस्ट्रिक्टेड टू फाइन होता है ताकि आप इन्वेस्टर को भगा ना दें कंट्री से। इतने लॉज हमने सुजुकी की एग्जांपल ली थी, जिन्होंने 3 साल पहले यूनाइटेड स्टेट से वाइंड अप कर लिया था अपना बिजनेस और बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो थी वो कर्टेल कर दी है। रीज़न उसकी क्या थी कि वहाँ पे जो पैसेंजर सेफ्टी लॉज हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गए यूनाइटेड स्टेट्स में, और जो सुजुकी की कार्स थी वो यूजुअली 2-3 स्टार रेटिंग के ऊपर जो उनकी बजट सेगमेंट कार्स थी वो जाती थी, और इसी वजह से उन्होंने मैक्सिको के अंदर अपना सारा प्लांट और इन्वेस्टमेंट शिफ्ट कर दी है, और एक एस्टिमेट के मुताबिक 1.5 लाख के करीब लोग जो हैं उन्होंने जॉब लूज किया यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, जो कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में थे सुजुकी यूनाइटेड स्टेट्स की, और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में तकरीबन 18 से 20 लाख लोगों को वहाँ पर रोज़गार हासिल था उस मैनुफैक्चरिंग प्लांट्स की वजह से। तो ऑलमोस्ट 2 मिलियन प्लस पीपल्स को उसने वहाँ पर इस इंडस्ट्री को इफेक्ट किया। जो 18 लाख लोग थे वो इनडायरेक्ट थे, यानी वो सिर्फ सुजुकी के लिए काम नहीं करते थे बल्कि दूसरी ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए भी पार्ट्स मैन्युफैक्चर करते थे, जैसा कि अमेरिका में डजन्स ऑफ कंपनीज हैं ऑटोमोबाइल की, तो उनकी सेल्स कम हुई। लेकिन 1 लाख के करीब लोग जो थे, 1.25 लाख के करीब वो थे जो कि डायरेक्ट एम्प्लॉय थे सुजुकी के और उसमें काम करते थे, वो लोग जॉबलेस हो गए। सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा, फिर इकोनॉमी पे भी पड़ा, लेकिन वो कंट्री सस्टेन कर सकती है क्योंकि डेवलप्ड कंट्री है, इकोनॉमिक कंडीशन उसकी उसके अपने कंपैरेटिवली थोड़ी वीकर जा रही है, लेकिन स्टिल दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर अभी आप गूगल पे सर्च कीजिए तो गोल्ड रिजर्व यूनाइटेड स्टेट्स के पास हैं। आप ज़रा चेक कीजिए कि दुनिया के सारे ममालिक में गोल्ड रिजर्व जो कि रखा हुआ है बैंक्स में वो सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो US इज़ ऑन द टॉप और अच्छी खासी लीड के ऊपर है। तो एक रिच कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, तो वो ऐसी प्रोविजंस को अफोर्ड कर सकती हैं। लेकिन कंट्रीज़ जो कि डेवलपिंग है, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, श्रीलंका, या आपके पास अफ्रीकन कंटिनेंट्स की कंट्रीज़ हैं, ईस्टर्न यूरोप है, सेंट्रल एशिया है, ये सब डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो अगर ये लॉस को स्ट्रिक्ट करें तो फिर इनको ये सस्टेन नहीं कर सकती उस नुकसान को। तो हमने कल ये मिसाल ली थी, तो इसीलिए लीगल है जो प्रोविजंस होती हैं वो थोड़ी सी मॉडेस्ट होती हैं, एक्सट्रीम पे आपको नज़र नहीं आती हैं। तो ये भी एक कम्युनिकेशन का तरीका है। ओके, सोशल मीडिया एक और चैनल है जिसके ज़रिए आपकी, ऑल दो इसमें बिल्कुल ऑफिशियल कम्युनिकेशन तो कहीं पे भी नहीं चलती, लेकिन आपने कोई अपने ग्रुप्स बनाए होते हैं। मिसाल के तौर पे आप इधर देख लीजिए कि हम स्टडी ग्रुप्स जो हैं वो मेंटेन कर लेते हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें हम लिंक्स वगैरह शेयर कर लेते हैं और डिफरेंट अनाउंसमेंट भी वहाँ पर कर देते हैं, तो सोशल मीडिया का बिजनेस यूजेज भी होता है, लेकिन वो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए होता है। जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो अगर किसी बैंक है तो उसका अपना सॉफ्टवेयर होगा, यूनिवर्सिटी है तो उसका LMS होगा जिस पे रिजल्ट्स वगैरह और ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन सेकंड टायर की जो कम्युनिकेशन है वो सोशल मीडिया पे भी एम्प्लॉयर और बिटवीन एम्प्लॉयज़ जो है वो इस्तेमाल होती है। मॉनिटरिंग लोकेशन एंड इक्विपमेंट यूजेज, तो लॉ जो है जो आपकी लोकेशन होती है जहाँ पे आपने वो इंस्टॉल किए होते हैं अपने वर्क सिस्टम्स, उसको मॉनिटर करने की, CCTV लगाने की आपको इजाज़त होती है लॉ में, और आप अपना इक्विपमेंट के यूजेज को भी मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसा कि
आपको नज़र आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप सीसीटीवी चेंज रूम में, वॉशरूम्स में और ऐसी प्राइवेट जगह पे, या अगर आपकी कोई हाउसिंग कॉलोनी है एम्प्लॉयर ने मेंटेन की हुई है तो इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड, या ऑफिसेज के अंदर आप जो है वो कैमराज इंस्टॉल नहीं कर सकते। कॉरिडोर में कर सकते हैं, मेन डोर में कर सकते हैं, और लॉ मैंडेट करता है कि किसी की पर्सनल स्पेस को ना जो है वो वायलेट किया जाए। तो मॉनिटरिंग जो है वो इक्विपमेंट की हद तक और पब्लिक लोकेशन की हद तक इसकी इजाज़त है कानून एम्प्लॉयर को। इससे ज़्यादा जो है वो प्राइवेसी जो है वो आप टेरेस ट्रेसपासिंग कर रहे होंगे। तो ये थी 6.3 टॉपिक, जिसमें कि एम्प्लॉई कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग, ये जो टॉपिक था हमारा, इसको हमने कवर अप किया है। और इसके दो हिस्से थे कि मॉनिटरिंग, और दूसरा हिस्सा, पहला हिस्सा इसका था कम्युनिकेशन और दूसरा था मॉनिटरिंग। और आपने देखा कि ये कोई जर्नल कम्युनिकेशन नहीं थी, बल्कि ये प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस थी जो आपने वर्क प्लेस पे फॉलो करनी है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के दरमियान किस तरह की कम्युनिकेशन अगर हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कंप्लीटेड वीक 14 कंटेंट्स, और हमारे पास 3 हफ्ते और हैं, जिसमें हम 2 टॉपिक्स जो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड हैं उसको कवर करेंगे, और फाइनल लेक्चर में इंशाल्लाह हम कोर्स को रिव्यू करेंगे, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द सेमेस्टर। तो मुझे उम्मीद है कि आपने कल की जो क्लास थी उसके लेक्चर सुना होगा। अभी मैं आपकी अटेंडेंस यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, अगर कोई, हाँ जी, ये डाउनलोड हो गई है। और अगर कोई स्टूडेंट प्रेजेंट था और किसी रीज़न से डिसकनेक्ट हो गया, तो वो अपना रोल नंबर जो है वो सीआर और जीआर को मैसेज कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आ जाता है तो उनकी अटेंडेंस जो है वो मार्क हो जाएगी इन केस दे वर प्रेजेंट प्रीवियसली इन द क्लास। ठीक है जी। तो अगर आपका कोई सवाल है कल की क्लास से, आज की क्लास से, आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात हो। जी जी सर, 418 प्रेजेंट और नेट इशू था। हाँ, उसका बेटा तरीका ये है कि आप जो जीआर हैं हिब्बा, उनको मैसेज कर दीजिए रोल नंबर, तो वो सारे स्टूडेंट्स के जो हैं, मुझे जैन या हिब्बा जो हैं वो, उनमें से कोई भी बच्चा मुझे मैसेज कर देगा, एंड आई विल मार्क देयर अटेंडेंस। सर मैंने 5 मिनट लेट ज्वाइन की थी सर, उससे पहले अटेंडेंस तो नहीं हुई। नहीं, अटेंडेंस हुई नहीं बेटा, अटेंडेंस मैंने ना डाउनलोड कर लिया यहाँ से, वो पहले। चलें ठीक है सर, ठीक है सर, यहाँ पे फिर मेरी शो हो रही है। हाँ, तो अगर स्टिल कोई मेरे, अभी मैंने डाउनलोड किया बिल्कुल एट द एंड, कोई बच्चा पहले था और अभी अगर वो ऑफलाइन हो गया या उसका कोई डिसकनेक्ट हो गया, तो वो जैन या हिब्बा को मैसेज कर दीजिए, तो वो सीआरटीआर मुझे मैसेज में रोल नंबर भेज देंगे। नाल मार्क दे देंगे। ओके सर। ओके सर। ओके जी। सो आई एम गोइंग